खबर चक्राता से। चक्राता वन प्रभाग के जंगलों में वन माफियाओं पर वन विभाग की ताबड़तोड़ कार्यवाही। वन विभाग का फॉरेस्टर निलंबित, जब्त की गई लाखों रुपए के देवदार के नग। लोकचंद न्यूज संवाददाता अनिल दुबे की रिपोर्ट। चक्राता वन प्रभाग के जंगलों में वन माफियाओं ने काट डाली सैकड़ों देवदार के पेड़। वही डीएफओ चक्राता वन प्रभाग कल्याणी ने चलाए अपनी ईमानदारी की कलम, बताते चले कि वहां पर तैनात वन बीट अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और साथ ही वन दरोगा पर भी लटकी हुई है निलंबन होने की तलवार। आपको ये भी बता दें कि सोशल मीडिया पर लगातार चक्राता के कानासर रेंज में अवैध पातन के मामले सामने आ रहे थे, जिसको लेकर वन विभाग द्वारा एक जाँच टीम का गठन किया गया। वही जाँच टीम के द्वारा पूरा निरीक्षण कर लिया गया है। वही जाँच टीम को क्या एविडेंस मिले हैं ये तो जाँच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जब मीडिया को अवैध पातन की सूचना मिली तो हमारे संवाददाता अनिल दुबे अन्य और मीडिया की टीम के साथ मौके के लिए रवाना हुए, लेकिन कुनेन क्षेत्र का रोड बरसात के चलते बंद हो गया था, जिसके कारण वहां तक मीडिया नहीं पहुंच पाई। आपको ये भी बता दें कि मशक क्षेत्र के ग्रामीणों से भी मीडिया की टीम ने जानकारी चाही और बातचीत की गई। उसके पश्चात चक्राता वन प्रभाग की डीएफओ कल्याणी ने वन बीट अधिकारी भगत सिंह राणा को निलंबित कर दिया। उन्होंने बताया कि चक्राता कोटी कनासर रेंज में अवैध पातन पाया गया है। देख रहे हैं ये नाप भूमि के पौधे हैं, क्या कहते हैं, जो आप में प्राइवेट जिसे सेल कहा जाता है, जो काश्तकार के जो निजी जो भूमि होती है सर, उसमें जो पौधे होते हैं जो सूख जाता है, उसको हम जो है क्या कहते हैं तहसील के माध्यम से और क्या कहते हैं वन विभाग के माध्यम से स्वीकृति लेते हैं सर, और इन पेड़ों को सर हम जो है कटान और चीरान के आदेश लेते हैं, जो सत्य है और सही है सर। ऐसा नहीं है कि कहीं किसी ने अपने नंबरी भूमि में भी या अवैध पेड़ काटा है, ऐसा कहीं आपको प्रकरण नहीं मिलेगा। आप तो स्वयं क्षेत्र में आए हैं और आपको ले कर जाएंगे भी जहाँ जहाँ आपको हो सकता सर की सत्यता हो। अगर कहीं ऐसी गलती कर रही है तो उसमें विभाग ने पूरी कार्रवाई कर रही है, वहाँ माल भी पकड़ा होगा, अपने कब्जे में ले रखे। इस हिसाब से सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही है, क्या वाकई उतनी तादाद में? नहीं नहीं, देखो सर ये तो एकदम गलत है, जैसे लोग अफवाह मचा रहे इधर हो रहा ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ कुछ हो रखा है वो विभाग के संज्ञान में मामला है। सर देखिए, हमको भी जैसे हम लोग नीचे आते हैं, गांव कम आते हैं, लेकिन हमको भी आए दिन सोशल मीडिया पे या कहीं भी खबर मिलती है कि भाई हमारा जो क्षेत्र है उसके नाम से कि वहाँ कटान हो रहा है, वहाँ पेड़ काटे जा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो हमको भी काफ़ी दुख होता है इस चीज़ से, ये सुनकर कि ये सब हो रहा है हमारे क्षेत्र में, क्योंकि जो पेड़ हैं वो उससे हमें जीवन है उसी से है, क्योंकि उससे अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी सर फिर क्या होगा सर। तो इस हम लोगों ने ये फैसला किया है कि हम लोग जो जितने भी युवा हैं गाँव के, हम लोग एक कमेटी बनाएंगे, क्षेत्र के जितने भी हुए हैं सब लोग कमेटी बनाएंगे, कमेटी गठित करेंगे, और इसमें कोई भी अगर अपने क्षेत्र का अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर हम कठोर दंडनीय कार्रवाई करेंगे सर, उस पर हम दंड लगाएंगे, और आगे से हम आपको मतलब आश्वासन तो नहीं देंगे सर, लेकिन हम इतना करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये सब आपको आगे सुनाई हुई ना मिले, क्योंकि सर की आड़ में अवैध पातन प्राथमिक जांच और कुछ डिस्क्रिपेंसी एक्शन लिया गया है, और इसके अलावा एक अलग टीम इसमें फॉरेस्ट गार्ड दोषी पाए गए और स्थान का नाम लिया गया था, वहाँ पे कॉम्बिंग की जा रही है दोषी। काफी पुराने कई सालों से इन्हीं
लिए, क्योंकि कनासर रेंज बहुत बड़ा है और जो हमारे पास आते के माध्यम से ही आते उसी के आधार पे उनको हम स्वीकृति यहाँ पे दी जाती है। खबर अच्छी लगी हो तो लोग जो न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।